आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले सारे बच्चे अपने इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ोगे। दुआ यह है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो बच्चों, इसी दुआ के साथ सबसे पहले हम अपनी उर्दू की बुक का काम स्टार्ट करेंगे। तो सारे बच्चे जल्दी से अपनी उर्दू की बुक्स निकाल लें। जी बच्चों, सारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक का पेज नंबर 32 निकालेंगे, बल्कि 32 नहीं है, 33, पेज नंबर 33 निकालेंगे, ठीक है। डेट है 18/8/2020 और दिन है आज मंगल। लिखा हुआ पढ़िए और पेंसिल फेरिए। आज आप लिखोगे, पढ़ोगे डाल, डाल से डोल, डाल से डोर, डाल से डोल, डाल वाओ डोल नाम डोल, डाल वाओ डोरे डोर, डाल से डोल, डाल से डोर। तो बच्चों, ये आज आपके दो लफ्ज़ हैं, डाल से डोल, डाल से डोर, डाल वाओ डोलम डोल, डाल वाओ डोरे डोर, डाल से डोल, डाल से डोर। तो बच्चों, आपने ये लफ्ज़ दोनों पढ़ने हैं। इसके नीचे है डाल, ये आपने इनके ऊपर पेंसिल फेरनी है, ठीक है। जैसे मैंने फेरी हुई है इनके ऊपर पेंसिल, तो आप इनको अच्छे से इनके ऊपर पेंसिल फेरोगे, ठीक है। ये आज आपका उर्दू की बुक का काम है। तो इसके बाद सारे बच्चे अपने उर्दू की नोटबुक्स निकाल लें। अब हम अपनी नोटबुक का काम करेंगे। तो जी बच्चों, आज दिन है मंगल, जमात का काम और तारीख है 18 अगस्त। आज आप लिखोगे तोयन इफ्ताता गाइन अली फुगा, ठीक है। आज आप लिखोगे तोयन इफ्ताता गाइन अली फुगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप लिखोगे तोय अलिफ ता, इसके नीचे तोय अलिफ ता, इसके आगे लिखोगे जोय अलिफ जा, इसके नीचे जोय अलिफ जा, आयन अलिफ आ, इसके नीचे आयन अलिफ आ, गायन अलिफ गा, इसके नीचे गायन अलिफ गा। तो बच्चों, आपने यहाँ लिखना तोय अलिफ ता था गायन अलिफ गा, तोय अलिफ ता जोय अलिफ जा आयन अलिफ आ गायन अलिफ गा, ठीक है। जैसे मैंने पेज रेडी किया हुआ है, ऐसे पेज रेडी करोगे, ठीक है। डेट है, तारीख लिखोगे, दिन लिखोगे, ऊपर लिखोगे जमात का काम, तो अलिफ ता था गायन अलिफ गा। सबसे पहले आप लिखोगे तो अलिफ ता जो अलिफ जा आयन अलिफ आ गायन अलिफ गा। तो बच्चों, ये आज आपका वर्क है, इसको अच्छे से करो, नीट एंड क्लीन करो। तो इसको करने के बाद सारे बच्चे अपने इस्लामियात के फोल्डर निकालें। आज हम इससे आगे इस्लामियात का करेंगे। तो जी बच्चों, अगला सवाल है, 18 तारीख है, 8वां महीना है। सवाल है कि क्या अल्लाह हर चीज़ बना सकता है? तो बच्चों, इसका जवाब है कि जी हाँ, अल्लाह हर एक चीज़ बना सकता है। सवाल है, क्या अल्लाह हर चीज़ बना सकता है? जी हाँ, क्या अल्लाह हर चीज़ बना सकता है? जी हाँ, इसका जवाब है। तो बच्चों, याद आपने याद करना है, बाकी जो काम मैंने उर्दू का आपको करवाया है वो भी आप करोगे तो ठीक है। ये आपका काम है, इसको अच्छे से करो, नीट एंड क्लीन करो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।